झूम फिट के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर क्लास 9-10 में होगे तो सोशल साइंस में। तो मैंने आपको जो बोला था यहाँ में स्मार्ट लाइट है, लेकिन यहाँ लाइट ऑफ है। मैं जैसे एंट्री करूँगा लाइट जल जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स होते हैं वो है नागालैंड में, ऑलमोस्ट 53 ट्राइब्स वहाँ में मिलते हैं। थोड़ा मैं हिस्ट्री पढ़ा था क्लास 8-9 में, वही मुझे याद है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कल्चरल म्यूजियम है। ये अराउंड 1994 में बनना शुरू हो चुका था और जो अराउंड 2000 में बनके कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप डॉन बॉस्को म्यूजियम में नॉर्थ ईस्ट के जितने कल्चर्स हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, तो जितने स्टेट थे उनके सारे कल्चर्स A to Z एक्सप्लेन किया गया है, क्या कैसे सब अंदर में आपको मिलेगा। तो हम लोग टिकट ले चुके हैं और टिकट देने के समय ये लोग तो कुछ बुकलेट दिया है, लीफलेट, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है कि यहाँ में जो गैलरीज अंदर में हम लोग को मिलेंगी, कितने सारे गैलरीज देखने को मिलेंगी। तो ऑलमोस्ट 20 गैलरीज है इसके अंदर जो हम लोग देख सकते हैं। कुछ मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ, जैसे कि एल्कोव्स गैलरी, मिनी म्यूजियम, आवर नेबर्स गैलरी, फोटो गैलरी, मिशन एंड कल्चर गैलरी, इंट्रोडक्टरी एंड प्री हिस्ट्री गैलरी, लैंड एंड पीपल्स गैलरी, फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग गैलरी और बहुत सारे हैं। मैं इसका एक फोटो अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप देख सकते हो, इसके हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हो। हम लोग अंदर जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे मिलता है टिकट। ओके, टिकट का जो प्राइस है वो है 100 rupees पर हेड। बट अगर आप अपना स्टूडेंट्स आई कार्ड लेके आते हो, ओके, कोई भी कॉलेज से हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको आई कार्ड लेके आना होगा, तो आपका जो फीस है वो हाफ हो जाएगा, मतलब 50 rupees हो जाएगा। तो थैंक गॉड मैंने अपना आई कार्ड लेके आया है, वरना 100 rupees देना पड़ता, अभी मुझे सिर्फ 50 rupees देना है। तो आप कभी भी दिमाग में बैठा के रखो, आप अगर कहीं घूमने जाते हो, सिर्फ यहाँ नहीं कहीं भी, बहुत सा जगह ऐसा ऑफर होता है कि स्टूडेंट्स के लिए हाफ हो जाते हैं। ओके, जैसा यहाँ से एक बस जाती है हम लोग के घर के यहाँ, तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आई कार्ड है तो बस में भी फीस कम हो जाती है। इसलिए आप जब भी आओ तो स्टूडेंट्स आई कार्ड लेके आओ, तो 50 rupees लगेगी, वरना आपको 100 rupees देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कैसे आना है, अंदर कैसे जाना है, प्राइजेज वगैरह क्या है, अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको A to Z सब बताने वाला हूँ। ओके, तो आप जब डॉन बॉस्को म्यूजियम आओगे तो यहाँ आने का जो मेन है, सबसे पहले आपको आना होगा मोलाई बस स्टॉप से आप डायरेक्ट पैदल आ सकते हो, अराउंड 100 meters है, ओनली 100 meters, तो आप वहाँ से पैदल आ जाओ। हम लोग वैसे डायरेक्ट अभी नेहू से आए हैं, तो नेहू से आप क्या करो, जो उधर से जो टैक्सीज जो आती हैं उस टैक्सी पे बैठना है, जो वहाँ पे खड़ी रहती है वो नहीं, जो उधर से आ रही है, और 10 rupees लेंगी यहाँ मोलाई बस स्टॉप के लिए, और वहाँ से आप पैदल डायरेक्ट आ सकते हो। और अगर आप पुलिस बाजार या फिर कहीं और से आ रहे हो तो उनको बोलो कि आपको जाना है कहाँ, मोलाई बस स्टॉप, और वहाँ से आप डायरेक्ट पैदल आ सकते हो। जब आप एंट्री करोगे डॉन बॉस्को म्यूजियम के अंदर, तो आपको वो लोग सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले नीचे जाना है। तो अभी हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर से हमें लाइक घूमते घूमते देखिए लाइक बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हैं, अराउंड 7-8 फ्लोर्स हैं। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे कि घूमते घूमते ऊपर तक जाना है, काफ़ी बड़ा है। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ सबसे नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से अब A to Z एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको बोला था कि बहुत सारे हमें वो कल्चर्स दिखाई देंगे, तो सबसे पहले आवर नेबर्स वाला ये सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं, कुछ मैप वगैरह दिया है भूटान वगैरह का, तो अंदर को देखते हैं। ओके, मैं अभी अपना कैमरा रियर कैमरा को स्विच करता हूँ, और जब आप यहाँ में एंट्री करोगे तो ये जो गेट देख रहे हो यहाँ में स्मार्ट लाइट्स लगे हुए हैं, ओके, IoT। जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ में लाइट्स वगैरह चल जाएंगे, और जैसे आप निकलोगे तो कुछ देर के बाद लाइट्स।
सबसे नीचे जब आओगे तो वहाँ पे जो गैलरीज होंगे तो सबसे फर्स्ट जो गैलरी है वो है आवर नेवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अपने नॉर्थ ईस्ट से जितने भी कंट्री जुड़े हुए थे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चाइना और भूटान, तो यहाँ में जो जो वहाँ के कल्चर्स फॉलो होते हैं, जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है जगह, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे कि चाइना में वहाँ का नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल वहाँ का पांडा है, चाइनीज जिनेस, मतलब वहाँ का जो फेमस कल्चर्स है जिसके लिए वो जाना जाता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, उसके कल्चर्स के बारे में। यहाँ में म्यांमार के बारे में दिया गया है, नेपाल के बारे में दिया गया है और भूटान के बारे में दिया गया है। तो यही है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है कैसे। तो सेकेंड प्लेस है बेसमेंट टू और कन्फ्रेंस हॉल एंड टेम्पोररी एग्जीबिशन एरिया। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ में जब आप आओगे इस एरिया में तो आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स है वहाँ में ड्रेसिंग कैसा हुआ करता था, अभी कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी फोटोज लगे हुए हैं। ओके, जितने स्टेट्स हैं सारे के बारे में दिया गया है। तो लेकिन पहले झूम फिल्म के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर क्लास 9-10 में होंगे तो, सोशल साइंस में। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा इसको रियर कैमरा में स्विच करता हूँ और थोड़ा आपको फोटोज वगैरह दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे फोटोज हैं, काफ़ी पुराने फोटोज हैं, मे भी मेरे कैमरा में इतना क्लियर ना है, बट फॉर श्योर मैं जितना अच्छा कोशिश हो सकता है मैं करूँगा। तो स्विच करता हूँ। प्लेस है जो थर्ड नंबर प्लेस अभी हम लोग जो विजिट करने वाले हैं वो है मिशन एंड कल्चर्स गैलरी। तो इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। तो यहाँ में एक्चुअली वो ही रहा है कि जो हिस्ट्री है जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसके बारे में बताया गया कि फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था उस स्टेट में, सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ था उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए द बिगनिंग, यहाँ पे छोटा सा कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाए गए हैं। डिब्रूगढ़ में चर्च कैसा है, शिलोंग का जो सबसे बड़ा चर्च है वो कैसा है, तेजपुर में जो चर्च है वो कैसा है। ओके, तो यही सब है, आइए और देखते हैं। तो मैंने आपको जो बोला था यहाँ में स्मार्ट लाइट है, लेकिन यहाँ लाइट ऑफ है, मैं जैसे एंट्री करूँगा लाइट जल जाएगी। ओके, तो यही है स्मार्ट लाइट, मतलब एनर्जी एफिशिएंट है। अगर कोई नहीं है तो लाइट बंद। जैसे हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ में सेंसर्स लगे हुए हैं, आप जैसे अंदर आओगे तो लाइट जल जाएगी। तो चर्च यहाँ में जो जितने मैक्सिमम चर्च जो है उसके बारे में दिया गया, जो फादर्स लोग हैं, जो सिस्टर्स लोग हैं उसके बारे में फोटोज हैं। ये चर्च आप अच्छे से देख लीजिए। तो देख लीजिए काफी अच्छा है, होली ऑर्डर्स, इसमें जो ज्यादा क्रिश्चियनिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, जो क्रिश्चियन है उसके बारे में यहाँ ज्यादा है। कितने चर्च वगैरह हैं, ये मैं दिफू से हूँ, तो हम लोग का दिफू में जो चर्च है डॉनबॉस्को म्यूजियम, सॉरी वो डॉनबॉस्को चर्च है, तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। असम में कितने सारे चर्च हैं सारे दिया गया है, मिजोरम में कैसा चर्च है उसके बारे में भी दिया गया है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और वहाँ जाके देखते हैं। तो अभी हम लोग फोर्थ सेक्शन में आएंगे, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी एंट्री हिस्ट्री गैलरी। तो इसके अंदर देखते हैं क्या कैसे आया।
तो जनरली यहाँ में है ये ऐसा कि जो पुराने ज़माने में हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोग कैसे रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट दुनिया में कैसे रहते थे उसके बारे में छोटा सा पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद में देखते काफ़ी मतलब बोलो ना काफ़ी अच्छा ड्राइंग है, ड्राइंग एक बनाया गया पत्थर पे वो दिखा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पत्थर वगैरह दिखाया था, पत्थर दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 मिलियंस पुराने पुराने पत्थर लोग हैं। तो मैं सबका इंट्रोडक्शन तो आपको नहीं दे सकता, बस थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ में फौना ऑफ नॉर्थ एरिया है, तो आप फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानते होंगे। फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब किसको फ्लोरा है किसको फौना बोलते हैं नहीं मालूम, हाँ जो एनिमल्स है उसको हम लोग बोलते हैं फौना, और फ्लोरा मतलब प्लांट्स। इसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि क्या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल कौन कौन से एनिमल्स वहाँ में मिलते हैं उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ में है ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब वहाँ के आप लोग कैसे रहते हैं, ट्राइब को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स मिलते हैं, हमारे असम में ऑलमोस्ट 15 से 20 ट्राइब्स होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स होते हैं वो है नागालैंड में, ऑलमोस्ट 53 ट्राइब्स वहाँ में मिलते हैं। थोड़ा मैं हिस्ट्री पढ़ा था क्लास 8-9 में, वही मुझे याद है, यहाँ पे भी लिखा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ पुराने ज़माने के जो लोग की जो खोपड़ी होती थी ऐसी होती थी, अभी तो लाइक ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारे होमो सेपियंस, होमो क्रेटस, नियंडरथल वो लोग के बारे में दिया गया है। हम लोग होमो सेपियंस हैं, इंसान को साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस, उसके बारे में सब दिया गया है। देखिए नाम भी ऐसा ऐसा मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना तब नेम है, ठीक है छोड़िए वो सब। ये देखिए कहते हैं हमें हिरण का शिकार कर रहे हैं और इसको फिर लोग खाएंगे, तो होमो हैबिलिस शायद ये कुछ आई डोंट नो क्या है, होमो इरेक्टस, हाँ मतलब होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, ये जो क्या हो सकते हैं जैसे जैसे होता है ना निग्रू होते हैं, और लेकिन मैं सब भूल गया हूँ उसके बारे में छोड़िए, लेकिन यही है नियंडरथल ये लोग हैं, वो लोग हैं तो मैगनॉन। तो जैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है हम लोग किस टाइप से हैं, जो है जैसा छोड़िए यही है, आप एक अच्छे से पिक्चर्स देख लीजिए। तो यहाँ में इतना ही, और अभी जाते हैं नेक्स्ट गैलरी पे और वहाँ देखते हैं।